अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन आटा लड्डू। बेसन आटा लड्डू बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। चले आए आज की वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर लिया है, 2 प्याली हमने यहाँ पिसी हुई चीनी ली है, 1/2 प्याली हमने यहाँ बादाम पिस्ते लिए हैं जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है, 2 प्याली हमने यहाँ बेसन लिया है, 1 प्याली यहाँ हमने चक्की का आटा लिया है, 1 प्याली यहाँ हमने देसी घी लिए हैं। चले आए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक पतीली ली, उसके अंदर देसी घी को डाल देंगे। देसी घी जब हल्की हल्की मेल्ट होने लग जाए तो इसके बाद हम इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन डालने के बाद हम इसमें आटा डालेंगे। इन दोनों चीजों को डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। जब आप भून रहे होंगे तो आपको इसकी एक अच्छी सी स्मेल आ रही होगी, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भून चुका है। जब ये अच्छे से भून जाएगा इसके बाद इसमें पिसी हुई जो चीनी है वो डालेंगे। चीनी डालने के बाद इसमें जो हमने इलायची का पाउडर बनाया था वो डालेंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद जो बादाम पिस्ते जो हमने निकाले थे उसके 1/2 बादाम पिस्ते हम इसमें डाल देंगे और 1/2 रोक लेंगे ताकि हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालें। फिर इसके बाद इन सबको अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद इसको गरम गरम ही लड्डू का शेप देना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इससे अच्छे तरीके से शेप नहीं दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको लड्डू का शेप देना है। ये आप अपने हिसाब से भी किसी भी साइज के बना सकते हैं। देख सकते हैं हमारे बेसन आटा लड्डू तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।